हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल ध्रुव। और आज मैं आपको इस फोन के बारे में बताने वाला हूँ। इस फोन का नाम है रेडमी नोट 11 SE और ये जो फोन है 26 अगस्त 2022 को ये रिलीज हुआ था। तो गाइज, आपको इस फोन के बॉक्स में मिलता है TPU प्रोटेक्टिव केस जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, एंड आपको मिलता है USB पोर्ट 2C टाइप केबल। बट गाइज, आपको इसके बॉक्स में एडेप्टर देखने को नहीं मिलता है। आपको इसका एडेप्टर अलग से लेना पड़ेगा जो कि सपोर्ट करता है 33 वॉट फास्ट चार्जिंग, जो आपके फोन को 0 to 100% चार्ज सिर्फ 55 मिनट्स में कर देता है। इस फोन को मैं 3 मंथ से यूज कर रहा हूँ और ये फोन जो है वो 4 कलर वेरियंट्स में अवेलेबल है, कॉस्मिक व्हाइट, बायफ्रोस्ट ब्लू, स्पेस ब्लैक, एंड हमारे पास जो है वो थंडर पर्पल कलर। इस फोन का वेट 178.8 ग्राम्स है और इस फोन का इन हैंड फील बहुत ही प्रीमियम है। अब जाते हैं हम इसके स्पेक्स की तरफ। अब बात किया जाए इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इस फोन में आपको 6.43 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। इस फोन में आपको 2400x1080p का स्क्रीन रिजोल्यूशन और साथ ही साथ 409 ppi मिल जाता है, जिसके कारण इस फोन का वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा दिखने में लगता है। और साथ ही साथ इसका बेजल्स कम होने के कारण इसका फुल स्क्रीन डिस्प्ले का फील बहुत ही अच्छा आता है। इसमें आपको 1100 nits पीक ब्राइटनेस मिल जाता है, जिसके कारण आप अगर इस फोन को धूप में भी यूज करते हैं तो आपको कुछ खास दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। अब बात किया जाए इसके कैमरा के बारे में, तो इसमें आपको 4 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इसमें आपको 8 megapixel अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, 2 megapixel मैक्रो लेंस मिलता है और 2 megapixel डेप्थ लेंस विथ ऑटो फोकस। और इसका जो प्राइमरी लेंस है वो है 64 megapixel जो कि आपको प्रोवाइड करता है अप टू 10x जूम। आप इससे 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 fps। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसमें मैक्रो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इस फोन से अगर आप फोटो क्लिक करते हैं वो भी आपको काफी हद तक आपको बेहतर देखने को मिलता है। और इसका मैं कुछ सैंपल भी आपको दिखा रहा हूँ, पोर्ट्रेट और 64 मेगापिक्सल से लिए हुए भी फोटो, आप ये देखिए। जो कि काफी हद तक बेहतर है। इसके फ्रंट में आपको देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा जो सपोर्ट करता है 30 fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग फुल HD विद स्क्रीन फ्लैश। और इसका जो फोटो क्वालिटी है, मींस अगर आप इसके फ्रंट कैमरा से जो फोटो खींचते हैं उसका क्वालिटी भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अब बात किया जाए इसके स्पीकर के बारे में, तो इसमें आपको ड्यूल स्पीकर सेटअप देखने को मिलता है, एक टॉप और एक बॉटम के साइड पे। इस फोन में आपको 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है और साथ ही साथ 6 GB का रैम मिलता है, जिसे आप 1 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और आपको डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अपने फोन का स्टोरेज कैपेसिटी 512 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अब बात करें इस फोन के कनेक्टिविटी के बारे में, तो इस फोन में आपको ड्यूल सिम सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि आपको 4G वर्ल्ड का कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, बट इसमें आपको 5G का सपोर्ट नहीं मिलता है। साथ ही साथ आपको इसमें देखने को मिलता है ब्लूटूथ वर्जन 5.01 और आपको मिलता है वाईफाई विथ वाईफाई हॉटस्पॉट। और जैसा कि आपको पता होगा कि Redmi ऑलमोस्ट अपने सारे फोन्स में ये फीचर देता है, जो कि है आपका प्यारा IR ब्लास्टर, जिससे आप अपने TV या AC को कंट्रोल कर सकते हैं, पर आपको इसमें NFC नहीं मिलता है। गाइज, अगर आप गेम खेलना पसंद करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस फोन में आपको गेम स्पेस देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको इसमें देखने को मिलता है मीडिया टेक हीलियो G95 चिपसेट विथ हाइपर इंजिन गेमिंग टेक्नोलॉजी एंड 2.05 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर विथ माली G76 MC4 GPU, जो कि आपको काफी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देगा। एंड ये फोन आपको मिलेगा Android 11 के साथ, जो कि आपका अपग्रेड हो जाएगा Android 12 में।
बट अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि 11SE में आपको Android 13 का अपडेट मिलेगा कि नहीं। अब बात करें इसके बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको मिलता है 5000 mAh का मैसिव बैटरी, जो कि आपको ऑलमोस्ट वन डे का बैटरी लाइफ प्रोवाइड करता है नॉर्मल यूजेज पे। और अगर आप इसमें गेमिंग करते हैं तो ये आपको देता है अराउंड 5 to 5.5 hours का बैटरी बैकअप। अगर आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये आपको अराउंड 5 to 6 hours का बैटरी बैकअप देता है, और साथ ही साथ ये आपको 7 to 9 hours का बैटरी बैकअप देता है वीडियो प्लेबैक करने पे। आपको इसमें GPS का सपोर्ट मिलता है। और बात करें इसके सिक्योरिटी के बारे में, तो आपको मिलता है साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि आपका काफी अच्छा काम करता है। एंड फेस अनलॉक, जो कि लो लाइटिंग कंडीशंस में भी काफी अच्छा रेस्पॉन्स देता है। इसमें आपको IP53 का वाटर रेटिंग मिलता है, जो कि डस्ट और स्प्लैश प्रूफ है। गाइज, मेरे हिसाब से तो इस प्राइस रेंज में ये हैंडसेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आपको ये फोन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।